अगेन अपने बर्थडे वाले दिन हमने आपको बोला था कि हम आपको एक जगह घुमाने ले जाने वाले थे, लेकिन वो बारिश हो गई थी। आज भी कुछ कुछ ऐसा ही मौसम था। हमें लगता है मेरे राधे कृष्णा चाहते हैं कि जिस दिन हम यहाँ आपको घुमाने लाए बारिश ही हो, लेकिन चलो अच्छा है कि एट लास्ट नहीं हुई बारिश। और आज हम हैं टी गार्डन में, आज हम आपको ये टी गार्डन घुमाने वाले हैं। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा ये प्लेस है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक, फैमिली पिकनिक और या फ्रेंड्स पिकनिक टाइप मना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं सनसेट का, अभी तक हुआ नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको तब तक दिखा दिया जाए। तो ये अभी बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर है, बहुत काम है, बहुत सूदिंग है। हम यहाँ बैठ करके थोड़ा सा अपने साथ बात कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ का टी गार्डन, ये उतना दार्जिलिंग इतना तो प्यारा सा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम हैं तो हम लोग अच्छा अपना बेस्ट टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो हम आपको इस क्लिप में दिखाते हैं टी गार्डन यहाँ का। और आज हमने तो बहुत ही फन किया है, हम रास्ते भर अपना बाइक के पीछे बैठ के चलते आए। और आपको भी हम सजेस्ट करेंगे, अगर बाइक पे बैठना है तो पीछे होके बैठो, वो हम अपनी क्लिप में बता देंगे कैसे बैठना होता है पीछे होके, और वरना फिर बाइक ही पर मत बैठो, बेकार है बाइक पे बैठना। तो चलिए हम आपको इसके साथ ही दिखाते हैं टी गार्डन। ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और उससे भी अच्छा लग रहा है कि अकेले है। और कहीं ना कहीं हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो हम वैसे भी कश्मीर को बहुत मिस कर रहे होते हैं। कश्मीर मेरा फेवरेट प्लेस है इंडिया में, तो कुछ कुछ हमें वैसी फीलिंग आ रही होती है। कश्मीर में भले टी गार्डन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिली यहाँ पे दिख जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं हम टी गार्डन। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया, हम आपको टी गार्डन घुमा रहे हैं। आज हमने बैक कैमरा करके किया है, तो आज हम अपना तो दे नहीं पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, ये सारा। अभी एक्चुअली क्या है, बारिश तो हो नहीं रही है, जब बारिश होगी तो ये और ज़्यादा भरा होगा। तो अभी ये जितने भी ड्राई लीव्स हैं, ये सारे लोग आकर के, ये लोकल लोग हैं आके, तो ये लोग लेकर के जाते हैं अपने डेली पर्पज़ का, जो भी है कुकिंग वगैरह करने में ये इसे अपना यूज़ करते हैं। तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, तो ये ईज़िली मतलब उसमें चूल्हे में जलाया जा सकता है, ये अपने खाना वाना बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे लोग अपना आसपास ही रहते हैं, तो ये सारा पूरा कल्टीवेट करके अपना ले जा रहे हैं, अपना जो भी है इकट्ठा करके। ये देखिए, ये तो गाय है। ये लोग आसपास के ही गांव में रहते हैं, दूर दूर तक बहुत प्यारा सा है। बस अभी थोड़ा सा ड्राई लीव्स यहाँ पे है। They all are going. अभी तो सनसेट का हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं। सन कितना प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। पता नहीं, हमें तो ये नेचर में रहना बहुत अच्छा लगता है, कुछ टाइम के लिए खुद को भूल जाने का मन करता है। और ये भी कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए खुद की जितनी भी लाइफ में टेंशन्स या कुछ भी चल रहा हो वो सब भूल के
कुछ वक्त अपने साथ शांति से बैठने का मन करता है, अपने साथ टाइम बिताने का मन करता है। अब हम पीछे करके बैठे हैं, अकेले अपनी वीडियो बना रहे हैं, और ये देखिए सारा टी गार्डन। पीछे बैठ के जो मजा आता है ना, वो आगे से कभी नहीं आ सकता है। आप देख रहे हैं ना सन कितना प्यारा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं उस जगह जहां से हम सनसेट देख पाएंगे प्रॉपरली। थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम पीछे बैठ के बना रहे हैं, तो हमें अपने को भी संभालना है और फोन को भी संभालना है। मेरे को तो कुछ भी हो, मेरे को तो चोट भी लग जाए, मेरे फोन को नहीं लगनी चाहिए क्योंकि अभी लेटेस्ट वाला आया नहीं है मार्केट में, दिसंबर तक लगेगा। दिसंबर तक इस फोन को संभाल के रखना पड़ेगा हमें, जैसा कि आप जानते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये देखो कितना प्यारा सा है, रास्ता भी थोड़ा सा बेकार सा है, और मेरा जो राइडर है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड सा है क्योंकि हम उसके तक फिर से पीछे बैठ लिए जबरदस्ती। ये बाकी तो सब परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम लोग इतने मजे कर रहे हैं यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम, इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें इससे पहले किसी ने ऐसे करके बिठाया ही नहीं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें ऐसे बिठा लेने के लिए। अभी तो यहाँ बड़ी भीड़ है, अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वो बहुत अच्छा लगने वाला है। ये तो हमें भी नहीं पता रास्ता। अब देखो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा उन लोग के आने का। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, it was a pleasant experience for me. बहुत अच्छा लगा। मैं पीछे बैठ के ऐसा लगता है लाइफ टाइम अपने पीछे बैठ के ही बिता दे। अगर बाइक पे बैठना है तो हमेशा पीछे होके बैठे, वरना आपको मजा नहीं आने वाला है जो कि आपने पीछे। अरे दीदी, गई मेरी स्कूटी। इंसान का कोई वो नहीं, स्कूटी गई। तो सामने जाके रोकिए आप। यही एक काम बाकी था, वो भी कर लिया। अब हम लोग सनसेट देखने जा रहे हैं, इंजॉय करने वाले हैं बहुत ज्यादा। अब ऐसे ऐसे करके नहीं चल सकते, गिर पड़े और आप हमें देख लोगे गिरता हुआ, फिर मेरा मजाक बन जाएगा। हालांकि वीडियो तो वायरल हो जाएगी, लेकिन हम वीडियो वायरल होने के लिए गिर नहीं सकते, गिर के नहीं दिखा सकते। एनी हाउ, तो चलिए आप मेरे साथ साथ आइए। ये देखिए हम लोग कहां आ गए पे, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम अपनी एयरपोर्ट नहीं लाया तो हम आपको सुना नहीं सकते जो हम चीख चीख के बोल रहे हैं। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। ये देखिए सन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। इट इज टाइम फॉर सनसेट एंड वी आर हियर फॉर स्पेशली फॉर mesmerizing the beauty of sunset. So it is a favorite place here for me. Otherwise in India, I love to visit Kashmir again and again. But here, I love this place. मेरे साथ साथ आप ही enjoy करिए sunset को। कुछ देर हमें लगता है शांत हो जाना चाहिए। जो मेरे साथ आए हैं वो भी कहने लग गए कि अरे थोड़ा सा मुंह बंद कर लो, थोड़ा सा कर लो। मुंह बंद कर ले तो मेरी पहचान नहीं रह जाएगी ना, इसलिए बोलना पड़ता है बराबर। और मुंह बंद करके नहीं रह सकते, बस सोते टाइम कर सकते मुंह बंद, और एक खाते टाइम कर सकते मुंह बंद। तो इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली हमें खिला खिला के मुंह बंद करवाने की, लेकिन हम नहीं करने वाले हैं। आप भी परेशान मत हो ना, आप तो सबसे अच्छे फ्रेंड्स मिले हो जो कि वन वे कम्युनिकेशन से बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, इससे छोड़ क्या हो सकता है। तो देखिए सन कितना अच्छा सा लग रहा है अभी। तो ये एक्चुअली बारिश जब होगी ना तो ये एकदम भर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये बारिश का सीजन नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा कम कम सा यहाँ पे ट्रीज दिख रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा और भी अगर अपन दूर जाएंगे तो और भी है, लेकिन अभी जा नहीं सकते।
मैं किसी दिन दिन में आएंगे तो भले जा पाएंगे, तो चलिए तब तक हम आपको और यहाँ पे चल चल के दिखाते हैं। पॉन्ड है बट हमें लग रहा है वो पॉन्ड नहीं है। चलिए नजदीक से देख के आते हैं। हम भी ये इस वाली जगह तो फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन हाँ सनसेट देखने तो यहाँ आते रहते हैं। इट इज नॉट अ पॉन्ड। अदरवाइज यहाँ पे वाटर बॉडीज बहुत सारी हैं, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज, तो अच्छा लगता है। अब ये आपको एक जस्ट हमने क्लू दिया कि आप फाइंड आउट कर पाए कि हम हैं कहाँ। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में हम डिस्क्लोज करने वाले हैं कि हम हैं कहाँ। तब तक आपके लिए होमवर्क है कि आप फाइंड आउट करें कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है हम। जल्दी हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपन एंजॉय करते हैं, जिसके लिए अपन आए हैं सनसेट देखने के लिए। लेट्स कम। बाकी बातें अगले ब्लॉग में कर।